हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से एक यूके ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने 75 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों निकायों में समूह ग के अंतर्गत मानचित्रकार प्रारूपकार के रिक्त 60 पदों तथा सर्वेयर के रिक्त 15 पदों अर्थात कुल 75 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 3 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा अनुमानित दिसंबर माह में हो सकती है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी हो गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना कंपलसरी है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटि रहित OTR होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जा सकता है। OTR भरने में सहायता के लिए, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए OTR भरने के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप टोल फ्री नंबर 9520991172 या व्हाट्सएप नंबर 9020991174 या आयोग की ईमेल ID jayanayog@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तत्पश्चात आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा जाना माना जाएगा। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन में नहीं माना जाएगा और शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा। अब लास्ट में हम फॉर्म की एप्लीकेशन फी बता देते हैं। जनरल 300 रुपीज़ है, SC ST के लिए 150 रुपीज़, OBC के लिए भी, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये फीस है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।